केक रेडी है, हैप्पी एनिवर्सरी। और ये हम लोग 2 साल के हो चुके हैं, मतलब 2 साल हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो ये 2 साल की कैंडल है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे, ठाकुर जी का आशीर्वाद ले लो, सदा आप पर कृपा उनकी बने रहे। अबनी राधे राधे। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। दो हाँ पापा, साल हो कहाँ गए, अरे 2 साल हो गए आज तो हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू तो बोल दो। देखो गाइस, ये सेम टू यू भी नहीं बोल रही, कल गए जी, हमसे बोल रहे थे हम तो कपड़ा कल थोड़ी ना दिला है, आज रहे, है आज हमको कपड़ा दिला रहे। एनिवर्सरी, तो आज है ना, हाँ तो तुमने हमें कुछ भी नहीं दो, तो एनिवर्सरी आज है, आज आज चलेंगे, आज दिलाऊंगा तुम्हें क्या चाहिए। और तुम मुझे क्या दोगे, तुमने तो कितने सारे कपड़ा ले लिए, तो तुम मुझे कुछ कुछ भी गिफ्ट नहीं दोगे, तुम्हें मेरे पास क्या है। कुछ भी गिफ्ट दे सकते हाँ हो पैसा तुम, तुम दियो सो हम तुम्हें कुछ गिफ्ट दे दे, जरूरी नहीं है वो गिफ्ट पैसों से ही हो, पर ठीक वो हमारे है। यहाँ पर कहीं याद आ आज रहे। कुछ फेवरेट बना के खिला दो मुझे, वही गिफ्ट हो जाएगा हाँ तो मेरा। अबे तो तुमने पराठे खा लिया ना, वही बना दो। पराठे से क्या मतलब, आज कुछ फेवरेट बनाना तो यार मेरा, हमें जगह है तुम्हारे पेट में। आज बनाना आज दिन में, ये कह रहा हाँ हूं, ठीक है। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, सेम टू यू। सेम टू यू। ये देखिए गाइस, यहाँ पे चल रहा है लंच सभी का। तो मम्मी खा रही है दूध रोटी, तो मम्मी आज दूध रोटी खा रही है लंच में। और इधर चल रहा है राहुल का लंच, राहुल खा रहा है सब्जी रोटी। और इधर चल रहा है इनका लंच, ये खा रही है सिर्फ सब्जी। भाई ऐसा क्यों, अकेली सब्जी क्यों खा रहे तुम, है सब्जी क्यों खा रहा है चलो ठीक है, खाओ तो तुम्हारी मर्जी। देखो पूरी सब्जी में तुमने पानी डाल दो, वाह देखो भाई ये कितना नुकसान करती है। ये देखिए गाइस, कल राहुल को ये कपड़े दिला, शांत रह रहे नक। तो ये देखिए गाइस, ये राहुल को कल कपड़े दिलवाए थे, सिर्फ लोवर है ये जैकेट भी दिलाई थी पहले, तो काफी बढ़िया लग रही है। और आज पापा को और राहुल को सेकंड डोज लगना है, कौन सी वैक्सीन है, कोविड शील्ड। मम्मी खरीद रही है चीकू, पापा कह रहे हैं एक चीकू दो खिलाओ, पहले टेस्ट कराओ, पापा कह रहे हैं। कितने रुपए किलो दे रहा भाई, क्यों छोटू, 20 के, 20 के पाव, कोई डिस्काउंट नहीं है, थोड़ा बहुत ले लो अगर ले रहे हो डिस्काउंट है, कोई नहीं थोड़ा बना बहुत रहा हूँ यार, एक वीडियो बन रही है तो फेमस हो जाए डिस्काउंट देने से। डिस्काउंट है थोड़ा बहुत, पापा कह रहे हैं फेमस हो जाएगा, डिस्काउंट दे दो। क्या समझ लो, कितने रुपया किलो है, हाँ 80 रुपया, हाँ 80, 70, 70 नहीं लगा, हाँ ले लो चलो ले लो। तो गाइस भाई ने वीडियो बन रही है, और इस वजह से भाई ने नहीं और 10 रुपये पहले से ज्यादा बताया तो कम कर रहा है। चलो ठीक है, तो मम्मी चीकू खरीद रही है यहाँ से। हाँ जी गाइस, तो हम पापा को लगवाने जा रहे हैं और राहुल को कोविशील्ड का सेकंड डोज। वो अभी टाइम हो गया है 4:20, और देखिए आज एनिवर्सरी वाले दिन भी साधना कितना सारा काम कर रही है, छत पर ये साफ सफाई कर रही है। और ये देखो माला थी, ये करवा चौथ वाली, उनके इनने फूल बना दिए, इन फूलों को क्या करोगे तुम, तो इनके पेड़ बनाएंगे इनको बीज की तरह ना। तो देखो ये माला के साधना ने बनाए हैं बीज, और यहाँ पे भी देखो ये भी मिट्टी लेके आई है आज, और ये देखो साधना ने इनमें मिट्टी लगा दी, अब इनमें लगाएगी ये वाले फूल। काफी मेहनत कर रही है साधना आज मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन भी। हाँ सो क्या करें, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सेम टू यू। तो बताओ क्या करना आज तुम्हारे लिए, क्या चाहिए गिफ्ट में बताओ। ठाकुर जी खुलवा चलो, नहीं खिला तो सामान ले आओ बढ़िया बढ़िया। ओ तो देखो साधना बोल रही है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, ठाकुर जी को ले चलो, मतलब कृष्ण जी को ले चलो, और उनको ही कपड़े स्वेटर, मतलब उनका श्रृंगार करवा दो, है। चलो तो देखो साधना अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है एनिवर्सरी वाले दिन, तो और मुझसे तो पूछ लो मुझे क्या दे रहे हो तुम, तुमने तो ले ही लो जो लेने दो सो। का ले लो,
कितनी चार जैकेट ले लाई। चार जैकेट नहीं, टी शर्ट तुम जो तुम आज दो ना तुम गिफ्ट आज का। अब हमारे पास तो कहा, हम तो बनाई का खुआ सका सुख। तो एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो, तुम अभी जाके बनाओ पहले मुझे कॉफी, ठीक है, और सूप बनाओ, पी तो लो सुबह। अरे तो सुबह पिया, अभी भी पीना है, शाम हो गई है, 5 बजने वाले हैं। जो कोनो अच्छो खाबो है। कुछ नहीं, आज तुम बस मेरा कहना मान लेना, ठीक है, और बस यही मेरा गिफ्ट होगा, ठीक है, जो जो मैं कहूँ वो बना देना आज। वैसे तुम बनाते नहीं हो ना, वैसे अभी अभी एक बार में कहने पे बना देना आज, ठीक है, यही मेरा गिफ्ट होगा बस, ठीक है, ओके। मतलब बनाते नहीं है तो एक बार कहने पे नहीं बनाते। मैं फालतू में बदनाम कर रहा हूं। नहीं, जैसे मैं नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम अभी मेरे लिए बना दो, तुम कहते अभी बना देंगे अभी, कभी कभी तो कहते अभी नहीं बना रहे हम, कल बना देंगे। बोलते कि नहीं बोलते, पहले बोलते कि नहीं बोलते, बाद में नहीं। तुम तो कुछ काम करते तब कहते क्या भाई बना दे रहे, जो नहीं है किसी तो काम छोड़ के हम तुम्हारे लाजे बनाने लगते वो काम कर। तो पर आज के पर आज के दिन सारा काम छोड़ के मेरे लिए बना देना है, यही मेरा गिफ्ट होगा, ठीक है। चलो जाओ फिर कॉफी बना के लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ, तो बंद तो करो। तो साधना मेरे लिए कॉफी बना रही है क्योंकि आज एनिवर्सरी है, तो आज स्पेशल कॉफी बना रही है साधना। तो फिलहाल तैयारी चल रही है कॉफी बनाने की, फाइनली अपनी कॉफी रेडी है, तो अब पियेंगे कॉफी। और मम्मी भी खेत से आ गई है, अभी रात के बज गए हैं 6:10, कॉफी हमने पी ली है, और अब सोच रहे हैं कुछ थोड़ा सा, आज एनिवर्सरी है तो थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। बोल रही एनिवर्सरी होता है कि एनिवर्सिटी, वो कोई वो रहता है जो कॉलेज में, वो तो यूनिवर्सिटी होते। अरे यार पागल होगा, ये एनिवर्सरी होता है, एनिवर्सरी एनिवर्सरी नहीं एनिवर्सरी। सही, कुछ भी सालगिरह बोल दो, सालगिरह बोलो, आपको जो बोले हैं। हाँ तो सालगिरह का सोच रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ करते हैं गाइस, तो केक एक लेने जाते हैं, और घर में आज काय की सब्जी बनी, आलू बटा टमाटर, तो आलू बटा टमाटर की सब्जी बनी, तो कोई बात नहीं, नहीं तो आलू बैगन तो का हो जाए बटा। तो सबसे पूछ लेते हैं, घर में पूछ लेते हैं सबसे, जो जो भी खाएगा उसके लिए मैं ले आऊंगा, और केक ले आऊंगा, तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन करते हैं, बनता है गाइस। तो अभी मैं जाता हूँ मार्केट, मैं जस्ट मार्केट से वापस आया हूँ, और मैं केक ले आया हूँ, और फैमिली को मेरी तरफ से एक छोटी सी पार्टी मैंने दी है, और सबसे पूछ लिया था किसको क्या खाना है, तो वो सब मैं ले आया हूँ। वो ये मम्मी पापा के लिए आलू की टिक्की मम्मी पापा ने बोला था, वो तो नॉर्मल मम्मी होता है, जब पार्टी का है कि बता रोजीना भी, कल भी आओ तो परसों भी आओ, तो रोजीना। तो अब क्या है भाई, मैंने पूछा है आज मेरी तरफ से पार्टी है, मेरी एनिवर्सरी है, 2 साल हो गए शादी को, तो मैंने मम्मी से पूछा क्या खाओगे आप, तो इन्होंने जो बताया वो ले आया। पापा से पूछा कह रहे थे भगवान तो समझ में नहीं आ रही, मैं 2 साल हो गए तो इधर। अरे छोड़ो ना, तो मम्मी से जो पूछा था वो ले आया, पापा से जो पूछा था वो ले आया, और साधना से इन्होंने पता नहीं क्या मंगवाया, रोल या कबाब पराठा बिरयानी वगैरह, और ये चिप्स भी मंगवाई थी साधना ने, और ये मैं अपने लिए लेके आया हूँ डोसा, और ये है केक, तो केक अभी दिखाएंगे हम बाद में। तो गाइस केक रेडी है, हैप्पी एनिवर्सरी, और ये हम लोग 2 साल के हो चुके हैं, मतलब 2 साल हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो ये 2 साल की कैंडल है, और केक भी मैं यहीं से ले आया हूँ पास से ही। तो ऋषभ है सामने, यहाँ राहुल है, मम्मी आने वाली हैं, पापा भी आएंगे। Happy anniversary.
चाचा आप बताइए कि आपके शादी के 2 साल पूरे हो चुके हैं, आपका जीवन कैसा चल रहा है? हमारा जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है, और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी लाइफ इनकम्प्लीट थी, और आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, एक परिवार बन चुका है, मम्मी पापा भाई और बीबी, मतलब एक शादी से पहले मतलब मेरी लाइफ एक अधूरी सी थी, जो कि जब साधना से मेरी शादी हुई तो उस टाइम तो इतना रियलाइज नहीं हुआ था, बट अब 2 साल हो चुके हैं तो आप अब मतलब इतना ये रियलाइज हो गया है कि बिना बीबी के घर और एक पूरा परिवार अधूरा होता है, तो काफी मैं खुश हूँ, जो कि साधना बहुत दिल की अच्छी है और बहुत भोली भी है। और हाँ, बस एक छोटी सी देखो, कमियां तो सब में होती हैं, कमियां मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, आप लोग सबके अंदर कमियां होती हैं, तो उनको नजरअंदाज करके अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। और वो कमी कौन सी है? कमी यही है कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर जो रिश्ता बड़ा हो तो उस रिश्ते में छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, बाकी मुझ में भी कमी होगी, ऐसा तो है नहीं, तो जब वो मेरी कमी को नजरअंदाज कर रही है तो मुझे भी उसको करना चाहिए, है कि नहीं? है ना, सही है। तो मैं बहुत खुश हूँ जो कि मेरी इससे शादी हुई, और मैं भगवान से यही चाहूंगा कि हर जन्म में मुझे यही जीवन साथी के तौर पर मिले, और माँ बाप को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा जो कि उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी बहू मतलब मेरी वाइफ ढूंढी, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ। अब आप बताइए चाची के मतलब आपका जीवन पहले कैसा था और शादी के बाद कैसा है? तो जो सबके साथ होता है वो ये हमारे साथ है कि शादी से पहले लाइफ अलग होती है, शादी के बाद पूरी चेंज हो जाती है। तो शुरुआत में आके क्योंकि यहाँ के लोग सब लोग नए नए थे तो समझने में काफी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब सबको समझने लगे, अब अच्छा भी लगने लगा, पहले तो घर की याद ज्यादा आती थी लेकिन अब नहीं आती, तो सही है। बहुत खुश है अपनी शादी से, और हमारा लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा है, ऐसे ही सबको मिले, हमारे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, भैया भी हैं, सही है। अगेन हैप्पी एनिवर्सरी चाचा चाची। थैंक यू सो मच गाइस, और आप ऐसे ही हम प्यार बनाए रखो, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो, हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे इस चैनल पर, ब्लॉग पर भी हम आपको डेली ब्लॉग, बढ़िया बढ़िया ट्रेवलिंग ब्लॉग और बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी प्लेस आपको घुमाएंगे, और हमारे जो प्रैंक चैनल है उस पर भी सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग अस, थैंक यू। और हम अपनी मम्मी पापा को भी थैंक्स बोलना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा घर देखा, इतना अच्छा लड़का, तो उन्हें भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, और सबसे ज्यादा हमारे ठाकुर जी की कृपा रही है जो कि हमारे साथ भी आए हैं और हमें हर चीज में सपोर्ट भी करते anniversary. तो आप सबको केक दे देते हैं, मम्मी का केक है, पापा को दे दिया है ऊपर ही, ये राहुल का है, बाद में खेल ली पबजी ले पकड़, और ये सब खा ही रहा है अपना केक। ये देखो गाइज, यहाँ पे टीवी होने के बाद भी साधना फोन में टीवी देख रही है, और देखो फोन चार्ज पे लगा हुआ है, ए देखो पता नहीं क्या सीरियल देख रही है, क्या कर रहे हो, फोन चार्ज पे लगा के देख रहे है? अरे तो बैटरी नहीं बची, बैटरी नहीं बची, टीवी का एकलान है, टीवी में तो मैच तो चला रहे थे, मतलब अब भाई टीवी बंद कर दे, दूसरे को दिखा रहे है, वाह को बन वो सीखे तो तुमसे। हाँ तो कहा है चार्ज से हटा के देखो, चलो यार देखने दो इसे। आज तो रात के बज चुके हैं 10:30, और आज हम लोगों की थी एनिवर्सरी, हमारी शादी को हो चुके हैं 2 साल आज। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना विश किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज हमने घर पे ही छोटा सा सेलिब्रेट किया, तो कभी और देखेंगे, बाहर करेंगे, फिलहाल तो जो किया उसमें ही आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, राधे राधे। और आप बताइए चाची। हम भी बहुत खुश हैं। आप बताइए कि आपका पहले जीवन, रुको तो हम नहीं रह पा, रुको तो चुप तो रहो,
आप बताइए कि आप ले आ कैमरा थोड़ा आवाज जो वैसे चलो बोल ले। अरे तो बोलो ना, स्पीच दोनों ऐसे देना चाहिए।